तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोलाम और आप लोग देख रहे हो क्रिएटिविटी गोलाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जो बाहुबली 2 मूवी है, साउथ इंडियन की मूवी, तो बहुत ही बड़ा बजट की फिल्म है। फ्रेंड्स, अब तक ऐसा बड़ा फिल्म मतलब बन चुके हैं इसका कोई गारंटी नहीं, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। आपको एक सीन में देखने को मिलता है कि जो भल्ला देव है, पुबस का जो भाई भल्ला देव है, उसने एक सांड से टकराता है, भूल से टकराता है, तो वो कितना सच है, उसमें कितना हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स छुपे हुए हैं, वही आज हम लोग छेड़छाड़ करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग वॉच करिए स्किप ना करके, और अगर आप चैनल में नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्निकल रिलेटेड मतलब वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ इंट्रो के बाद। गाइज, आप इस सीन में देख सकते हो जो सांड है वो दौड़ के आ रहा है भल्ला की तरफ, तो वो जो सीन है मतलब उसको कस्ट्यूम में मतलब तरह तरह के शॉट लेकर उसको एक सीन बनाया है। अगर भल्ला देव उसको नहीं रोका तो भी वो ऐसा ही करेगा, मतलब उसको फ्री टाइम ऐसा रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद जो भल्ला देव उससे मतलब लड़ रहा है वो फुल फॉल्स है, मतलब कि अगर भल्ला देव ने उसका सिंह पकड़ के नहीं भी रोका तो भी वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसका जो शॉट था वो ऐसे ही लिया गया है। और जो उससे लड़ रहा है ना, उसको अंदाज मिलाने के लिए वो उसका पीछे एक इंसान है जो फुल ग्रीन कॉस्ट्यूम में है, उसको रिमूव कर दिया गया है, ये सच है। लेकिन फ्रेंड्स, उसको सेटिंग करने के लिए उसका ग्रीन कॉस्ट्यूम में होना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। गाइज, कुल मिला के बात ये हुई कि जो शॉट है उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो दौड़ के आ रहा है सांड भल्ला देव के पास करीब, जो दौड़ के आ रहा है वो है पहला स्टेप, उसको फास्ट रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो सांड से टकराता है, मतलब उससे लड़ता है, वो फिलहाल तो हमें देखने को मिलता है सांड से टकराता है, लेकिन वो असली में सांड नहीं होता, उसमें ग्रीन कॉस्ट्यूम में एक इंसान छुपे हुए होते हैं। उसको बाद में वो इंसान को हटा के उसमें सांड डाला जाता है फ्रेंड्स। और तो रही बात जो आखिर में देखने को मिलता है जो सांड को सर पे मार के उसको ज़मीन पे फेंक रहा है, वो भी फ्रेंड्स इतना सच है कि सांड के सर पे नहीं बल्कि सामने में एक इंसान खड़ा होता है, उसको मतलब निशानों लगाने के लिए उसको मतलब अंदाज किया जाता है, और एडिटिंग करने के समय उस इंसान को हटा के वहाँ पर सांड डाला जाता है ताकि उसको रियलिस्टिक लगे। तो यह है ग्रीन स्किन का कमाल फ्रेंड्स। ग्रीन स्किन बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड मूवी में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन है, पावर रेंजर्स के टाइप की बहुत सारे मूवी में ग्रीन स्किन की इफेक्ट डाला गया है। और ग्रीन स्किन इफेक्ट सिर्फ मूवी में नहीं फ्रेंड्स, इसको ज़्यादातर न्यूज़ चैनल में बहुत टाइम इसको यूज़ करता है, पूरा मतलब न्यूज़ में ज़्यादातर ग्रीन स्किन यूज़ करता है। एंड बात रही ब्लॉगर यूट्यूबर, मतलब हर कोई इंडस्ट्री में A to Z हर कोई ग्रीन स्किन इफेक्ट यूज़ करता है। और अगर फ्रेंड्स इस तरह की कुछ वीडियो आपको पसंद है और इस तरह की कुछ वीडियो की अपडेट आपको लेना है, तो फ्रेंड्स नीचे में एक रेड कलर की सब्सक्राइब बटन देखिए, उसको सिर्फ प्यार से क्लिक कर दीजिए, और बगल में जो बेल वाला आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। गाइस, इस सीन में आप लोग देख सकते हो कि जो बाहू है उसका माँ बाहू के साथ कुछ बात कर रहा है, लेकिन ये एक पहाड़ झरना की बगल में है, लेकिन ये बात गलत है फ्रेंड्स, इसको सीन में देखने को मिलता है, असल में ये एक स्टूडियो में शूट किया गया है, आप देख सकते हो। बाद में उसको बैकग्राउंड चेंज कर दिया बड़ी आसानी से। और फ्रेंड्स एक जगह में आप देख सकते हो जो पुबस उल्टा लटक रहा है और तमन्ना जी है, मतलब वो आ रहा है उसका खाबों में, उसका पलकों में, तो वो भी फ्रेंड्स वो ग्रीन स्कन की टेक्निक्स है, उसको भी एडिट किया गया है बाद में। तो है मतलब इसका कुछ हिडन टिप्स और टेक्निक्स आपके सामने पेश किया हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि आप लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकते हो।